नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के कुछ कूल टिप्स के बारे में। दोस्तों, मेरा यह वीडियो पार्ट वन में है और इसका अलग अलग पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर मैं बनाता रहूँगा, तो आप हर वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, यहाँ पर एमएस वर्ड का मैंने प्रोग्राम खोला है। सबसे पहले बताता हूँ कि जहाँ आपको टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप अगर मैं करता हूँ तो यहाँ टाइप करता हूँ। अगर हमें यहाँ पर टाइप करना है, सपोज दैट यहाँ से टाइप करेंगे, तो बता देता हूँ, यहाँ से टाइप करेंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और वहाँ से आप कैसे भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। उस तरह से आप कहीं पर भी अगर आप टाइप करना है, कहीं से भी शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर बस जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए तो वहाँ से तुरंत आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे टाइप करना है तो यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, आप देख सकते हैं कि ये जितने सारे लेटर्स हैं, इस लेटर को आपको बिना कॉपी किए या आपको कभी भी अगर यूज़ करना है कि इस लेटर को आपको मेन पार्ट में बनाना है, जिसका बाद में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, तो इसे आप क्या बनाइए, क्विक पार्ट। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, आपको जाना है इंसर्ट में जाना है। ठीक है, इंसर्ट में जाकर यहाँ आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे इसे क्विक पार्ट ऑप्शन बोलते हैं। क्विक पार्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, क्विक पार्ट में क्लिक क्लिक करके सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अब देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नेम, तो नेम में आप मान लीजिए कि मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट में है नेम करके, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके, ओके करने के बाद जैसे आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, या तो ब्लैंक पेज, यहाँ से कुछ नया पेज ले लीजिए, मतलब आपके पास नया पेजेस हो गया। ठीक है, या नया फाइल भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या आप नया कोई और फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक पार्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सामने आपको मेन डॉक्यूमेंट दिखेगा, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ आ जाएगा। ओके, थर्ड थर्ड वाला है, मैं यहाँ पे कमांड के बारे में बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप क्विकली कोई भी पैराग्राफ अपने टेक्स्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इज इक्वल टू रैंड, आप कमांड को देख लीजिए, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, तीन पैराग्राफ आपके सामने ऑटोमेटिक दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 5, 6, 7 कितना भी चाहते हैं उतना कॉमा लगा के एंटर कीजिए और उतने पैराग्राफ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्विकली कोई भी पैराग्राफ अपने वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रहते हैं केस के बारे में। केस क्या होता है, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर करना, स्मॉल लेटर करना, टाइटल केस में करना। जैसे शिफ्ट प्लस F3 जब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो जितना मैंने सिलेक्ट किया है वो देखिए पूरा कैपिटल में हो गया, पूरा स्मॉल लेटर में हो गया, फर्स्ट लेटर मतलब लाइन का फर्स्ट कैपिटल में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस कमांड की मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। आगे चल के इस तरह की और अच्छे से वीडियो में डालता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।